दोस्तों आज हम सीपीयू पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे जो कि 230 वोल्ट एसी इनपुट के 3 एम्पियर से चलती है और यहाँ पे हमें आउटपुट में 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट मिलते हैं और ये हाई एम्पियर पावर सप्लाई होती है। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी आउटपुट 5 वोल्ट 12 वोल्ट 3.3 वोल्ट और स्टैंड बाई 5 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट प्लस 5 प्लस 3.3 वोल्ट मैक्सिमम 160 वाट यहाँ पे और इसका एम्पियर भी दिया गया, यहाँ पे इसका एम्पियर भी दिया गया है। तो इसका एम्पियर 12 वोल्ट का मैक्सिमम 19 एम्पियर ए आउटपुट करती है और यहाँ पे जो 5 वोल्ट की वोल्टेज है वो 45 एम्पियर तक मैक्सिमम आउटपुट होता है और ये फ्रॉन्टेक कंपनी की है। तो ये अभी फुल्ली डेट है तो यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेंगे। तो इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू मिल जाएंगे, इन्हें फटाफट से ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसके सारे स्क्रू खोल दिए हैं और अब हम इसकी मेन पीसीबी को बाहर निकाल लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो एसी वाले वायर लगे होते हैं इनको भी डिस्कनेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे फ़ैन का कनेक्टर लगा हुआ है, इसे हम लगा रहने देंगे। तो चलिए इस फ़ैन कनेक्टर को हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इसके कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी पूरी पीसीबी होती है और ये अलग अलग वोल्टेज आउटपुट करती है। और यहाँ से आप देखें तो आपको ये वायर बहुत सारे लग रहे होंगे लेकिन ये एक ही जगह से निकलते हैं। यहाँ पे आप देखें ये ब्लू वायर अलग होता है और हमारा ऑरेंज वायर, ये 3-4 वायर एक साथ कनेक्ट हैं और यहाँ पे जो रेड वायर है ये भी एक साथ कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो ब्लू वाला वायर है ये माइनस 12 वोल्ट का होता है और यहाँ पे ऑरेंज वाला वायर है ये 3.3 वोल्ट का होता है और ये जो रेड वाला वायर है ये 5 वोल्ट का होता है और जो ब्लैक वाला वायर है ये हमारा ग्राउंड का होता है और ये जो वाइट वाला वायर है पे हमारी प्लस 12 वोल्ट की होती है और यहाँ पे ये वाला वायर है ग्रीन, ये स्टैंड बाई वोल्टेज का होता है जिससे हमारी पावर सप्लाई ऑन होती है। तो यहाँ पे आप वोल्टेज समझ चुके हैं। अब दोस्तों इसकी बारी टेस्टिंग की है। तो दोस्तों ये फुल्ली डेट है, ऐसे केसेस में आपको क्या देखना है? तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको ग्लास टाइप फ्यूज देखने के लिए मिल जाएगा, इसे ग्लास टाइप फ्यूज बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे एनटीसी लगी हुई है, एनटीसी के बाद यहाँ पे हमारे 4 डायोड लगे हुए हैं जो कि ब्रिज रेक्टिफायर इन डायोड से बना हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हमारी जो वोल्टेज आती है इन कैपेसिटर पे आती है जो कि दोनों सीरीज में कैपेसिटर लगे होते हैं। तो इन कैपेसिटर पर वोल्टेज आने के बाद दोस्तों हमारी वोल्टेज जाती है यहाँ पे जो हाई पावर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 हाई पावर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो इन ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज जाने के बाद हमारी इस ट्रांसफार्मर तक वोल्टेज पहुँचती है और ट्रांसफार्मर से अलग अलग इन शॉर्ट की डायोड के थ्रू इस इंडक्टर कॉइल पर वोल्टेज बनती है और यहाँ पर इस कैपेसिटर तक वोल्टेज जाती है। इसका पूरा सिस्टम ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम इसे चेक कर लेते हैं। और तो यहाँ पे चेक करने के लिए लाइव और न्यूट्रल, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं लाइव और न्यूट्रल। यहाँ पे हम 2 वायर कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसके दोनों पॉइंट कनेक्ट कर दिए हैं एसी के। अब चलिए यहाँ पे हम इसकी वोल्टेज टेस्टिंग कर लेते हैं। ये हमारी स्टैंड बाई वोल्टेज है, यहाँ पे जो है हमें 5 वोल्ट एक्यूरेट मिलना चाहिए। यहाँ पे यदि आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे इसकी स्टैंड बाई वोल्टेज 5 वोल्ट बननी चाहिए और ये वाला पॉइंट हमारा ग्राउंड का है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर लेंगे, सारी एसी वोल्टेज भी हमारी प्रॉपर बननी चाहिए। तो इसे हम कुछ पीसीबी को इस तरीके से रख रहे हैं और यहाँ पे आपको मल्टीमीटर भी क्लियर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम इसे प्लग कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसको प्लग कर दिया है और मल्टीमीटर को आपको जो है डीसी 1000 पर सेलेक्ट कर लेना है और जो हमारे मेन कैपेसिटर लगे हैं यहाँ पे हमें अब डायरेक्ट
वोल्टेज चेक करनी है, जो हमारे एक कैपेसिटर पर वोल्टेज बन रही है दोस्तों वो 209-210 के करीब वोल्टेज बन रही है। इसी तरीके से हम दूसरे कैपेसिटर पर यदि वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पर भी इतनी ही वोल्टेज बननी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। अब इसके बाद जो हमारा स्टैंड बाय वोल्टेज है हमें इसे चेक करना है, तो मल्टीमीटर को डीसी 20 पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक प्रोब को हम ग्राउंड कर लेंगे और जो हमारा 5 वोल्ट वाला स्टैंड बाय वोल्टेज है यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 0-0 वोल्टेज बन रही है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो पा रही है, यहाँ पे आप क्लियर देखें। तो इस तरीके से दोस्तों इस सीपीयू पावर सप्लाई में फॉल्ट है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत मैं इसमें कर चुका हूँ, यहाँ पे मैंने इसके ट्रांजिस्टर वगैरह भी चेंज करके देख लिए हैं और अब यहाँ पे दोस्तों अब ये कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं। तो इन कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए आप LED बल्ब का यूज कर सकते हैं, LED बल्ब को आप ऐसे लगाएंगे या थोड़ी देर आप इसे रखा रहने दें तो ये ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर इसके डिस्चार्ज कर लिए हैं दोनों, इस तरीके से शॉर्ट करके आप इनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद करीब इन्हें 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे आप तो ये आराम से डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे शॉर्ट की डायोड वगैरह सब चेंज करके देख चुके हैं दोस्तों, पर पावर सप्लाई हमारी रिपेयर नहीं हो पाई, उसका एक कारण था दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, इसका नंबर है 8117, इसका आईसी का नंबर है दोस्तों। ए आईसी ख़राब हो जाने की वजह से इसमें वोल्टेज नहीं बन रही है, क्योंकि AIC हमारी 5 वोल्ट बनाती है जो हमारी स्टैंड बाय वोल्टेज के लिए जाती है। तो यहाँ पे इस IC को भी हम टेस्ट आपको करा देते हैं और ये 7 लैग की IC होती है, तो इस IC के ख़राब हो जाने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम बजर मोड़ पर इसे सेलेक्ट करते हैं मल्टीमीटर को और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ये 2 पिन हैं, ये आपस में शॉर्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीन पिन आपस में इसकी शॉर्टिंग दिखा रही हैं, तो इसकी वजह से ये सप्लाई हमारी रिपेयर नहीं हो पा रही है। यदि आपको AIC मिल जाती है, मैंने इसे ऑनलाइन भी चेक किया पर अवेलेबल नहीं है IC, यदि AIC आपको मिल जाती है तो आप IC को चेंज कर दीजिए, आपकी CBU पावर सप्लाई 101% बिल्कुल रिपेयर हो जाएगी और ये वर्क भी करेगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं, ओके हैं। इसके कैपेसिटर वगैरह फट गए थे, हमने चेंज कर दिए हैं और यहाँ पे इसके ट्रांजिस्टर वगैरह भी सब देख लिए हैं, सब ओके हैं। तो यहाँ पे हमें इतना काम इसमें करना है।